असलकम जी ए पी आई क्या होती है आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ए पी आई का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो कंप्यूटर साइंटिस्ट का काम है हमारा काम है ही नहीं है इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि ए पी आई बेसिकली कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो डिफ़रेंट एप्लीकेशनस को आपस में कम्यूनिकेट करवाती है यानी कि जोड़ती है अगर आप कोई एक काम करने वाले हैं जिसके अंदर छोटे छोटे मल्टीपल टास्क आप करके वो काम को करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो छोटे छोटे टास्क हैं वो एक पाइपलाइन में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे एंड देन यू कैन डू द बिगर टास्क इस चीज़ को हम ए के थ्रू कनेक्ट करते हैं मैं एक मिसाल देता हूँ ऊबर की आप एक गाड़ी बुक करवाते हैं ठीक है अब गाड़ी बुक करवाते वक्त आप सबसे पहले अपना डेटा देते हैं ऊबर को ऊबर आपका डेटा प्रोसेस करती है ऊबर आपकी लोकेशन को प्रोसेस करती है उबर आपके डेटा की बेस पे जो आपने रिव्यू दिया होता है उसे प्रोसेस करती है और फिर आपका पेमेंट गेटवे चेक करती है ये चार या पांच चीज़ें जो आपके सामने हैं जो मैंने चार बताई हैं इन्हीं को मद्देनज़र रखें ये सारी की सारी, सारी सेपरेट वे में काम करती हैं अब ये सारी की सारी आपस में जुड़ी कैसे हुई हैं यू कैन से कि ये छोटी छोटी एप्लीकेशन की ए की मदद से जोड़ा जाता है एंड देन यू कन्वर्ट दैट इन अ बिगर सिस्टम ए फिर क्या हुई ए पी इज Also called as Application Programming Interface, एक ऐसा इंटरफेस जो प्रोग्रामिंग के दौरान हम एप्लीकेशंस को जोड़ने के लिए यूटिलाइज करते हैं इसको और भी डिटेल में देखते हैं मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है एपीआई से बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अब ए को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि गोरा क्या कहता है ए क्या होती है फिर हम देखेंगे कि हम लोग इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ए क्या होती है एन ए और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अलाउ करती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ठीक है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है ए एक क्या है एन ए पी आई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ए हम पाकिस्तान के अंदर बड़ी सिस्टर को भी आप ही कह के बुलाते हैं तो आपने देखा होगा कि ए वो उसी तरीके से ही काम करती है जैसे आप आपियाँ काम करती हैं जो आपके अगर घर में किसी के साथ लड़ाई हुई हो या आपकी किसी के साथ अनबन हुई हो तो आपियाँ ही आपको कहती हैं चलो उसके साथ मिलके काम करो या वो ट्यूशन वाली बाजी समझ लें जो ए के तौर पे या आप के तौर पे काम करती हैं वो क्या करती हैं बच्चों को आपस में बिठा के उनकी सुलह सफाई करवाती है और उनको कहती हैं कि आपस में मिल ग्रुप मीटिंग करके कोई भी काम आपने करना सो यू कैन टेक एट दैट परस्पेक्टिव इन योर माइंड एज वेल लेट्स सी थिंक ऑफ इट एज अ मेन्यू इन द रेस्टोरेंट आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं वो पे मेन्यू पड़ा हुआ है द मेन्यू प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ डिशेज यू कैन ऑर्डर ठीक है अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डिश वैन यू स्पेसिफाई वट यू लाइक टू ऑर्डर द किचन द सिस्टम प्रिपेयर द डिश एंड सर्व इट टू यू इन दिस सनैरियो द मैन्यू इज़ द ए पी आई द ऑर्डर इज द रिक्वेस्ट एंड द डिश दैट इज सर्व टू यू इज द रिस्पॉन्स अब सुनिएगा ए पी आई के पार्ट्स मैं आपको बताता हूँ आपके पास एक मेन्यू आया कि हमारे रेस्टोरेंट के अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं आपने ऑर्डर किया ऑर्डर होगी आपकी रिक्वेस्ट आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये वाली डिश चाहिए मुझे फॉर एग्जांपल एक चिकन बिरयानी की प्लेट चाहिए ठीक है वो ऑर्डर गया किचन के अंदर रिक्वेस्ट गई किचन के अंदर किचन वालों ने सिस्टम के अंदर रखते हुए उसे प्रोसेस किया प्रोसेस करने के बाद आपको जब आपकी डिश सर्व की गई ये आपका क्या हो गया रिस्पॉन्स तो रिक्वेस्ट सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग होती है फिर आपके पास रिस्पांस आता है तो एपीआई का ये वाला मॉडल होता है आपके सामने एक एपीआई है आपके मेन्यू दिखाया जाता है कि हमारे पास ये ये मौजूद है आप कहते हैं कि ये वाली चीज़ ला के दे दें एंड देन यू कैन यूज़ दैट पिछले लेक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स की जब हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की थी हम हगिंग फेस के सिस्टम में से कुछ मॉडल्स ले आते थे यूजिंग ए तो अब हम इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास एक देसी एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ी हुई है आपको भी समझ आ जाएगी कि देसी एग्जाम्पल के थ्रू हम ए को कैसे समझ सकते हैं बड़ी गौर से सुनिएगा हमारे पास एक चाय वाला है जिसे हम टी वेंडर कहते हैं ये आज़ाद चाय वाला भाई नहीं है ये ये सिंपल चाय वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इमेजिन यू आर एट अ चाय वाला स्टॉल दिस चाय वाला इज फेमस फॉर हिज वेराइटी ऑफ टीज ठीक है अब हमने देखना है कि एक चाय वाले के सामने आप खड़े हुए हैं और वो अपनी डिफरेंट किस्म की वरायटीज़ उसके पास जिंजर टी है उसके पास लेमन टी है उसके पास कड़क चाय है ट्रक वाली चाय है स्ट्रॉन्ग चाय है लाइट चाय है ग्लूकोज फ्री चाय है शुगर फ्री चाय है देर आर मेनी वैराइटीज़ आउट देयर अब हमने देखना है इस एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए कि ए पी आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ए पी आईज़ हमारे पास जो मेन्यू है उसका फॉर एग्जाम्पल द चाय वाला हैज़ अ लिस्ट ऑफ़ टीज ही ऑफर्स मसाला चाय जिंजर चाय करडम चाय एटसेट्रा 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 ठीक है वो मेन्यू जो है बेसिकली वो ए है ईच टाइप ऑफ चाय रिक्वायर्स स्पेसिफिक इन्ग्रीडियंट्स एंड स्पेसिफिक मैथड ऑफ प्रेपरेशन ठीक है अब आपके पास जितना मेन्यू है इसके ऊपर सारी की सारी चीजें लिस्टेड हैं और हर किसी का सेपरेट इन्ग्रीडियंट होगा जो वहां पे लिस्टेड हो सकता है वहां पे प्राइसेस भी लिस्टेड हो सकती हैं एनी विन एनी थिंग कैन बी लिस्टेड देयर जो उस चाय वाले के स्टॉल से मिलता है इसको बोलते हैं हम ए पी आई जब आप ऑर्डर करते हैं कुछ कि यू डिसाइड टू ऑर्डर अ जिंजर चाय एंड यू टेल द चाय वाला भैया वन जिंजर टाइप प्ली, चाय प्लीज अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो भाइया आप कर सकते हैं <laughs> अगर आप इस्लामाबाद के अंदर हैं तो ब्रो अगर आप लाहौर के अंदर आप तो भावा भ्रावा फैसलाबाद के अंदर है तो भाजी एक चाय ले आ आओ सो यू ऑर्डर समथिंग एंड योर ऑर्डर इज वेरी स्पेसिफिक उस स्पेसिफिक ऑर्डर को चूज करके जब आप एक ऑर्डर को कहते हैं कि भाई ये वाली चीज ला दो वेटर को कहते हैं या आपने चाय वाले को बोलते हैं तो वो बेसिकली आपकी एपीआई रिक्वेस्ट गई है यू वांट समथिंग दैट इज वेरी स्पेसिफिक और आप वो रिक्वेस्ट करते हैं चाय वाला से अब मेरी बात सुनिएगा जो उसका मेन्यू है दैट इज ए जो आप मंगवा रहे हैं वो ए में से स्पेसिफिक पॉइंट की रिक्वेस्ट है एंड देन अब आगे चलते हैं चाय वाला प्रोसेस चाय वाला क्या करता है सिस्टम बिहाइंड द एपीआई जितना भी आपका सिस्टम होता है चाय वाला वहां पे जाता है हैविंग रिसीव द ऑर्डर यू नो एग्जैक्टली हाउ टू मेक जिंजर चाय वो जिंजर जिंजर चाय जो है वो बनाते हैं कि बनाने के सारी चीज़ें देखते हैं पानी लेता है टी लीव्स लेता है मिल्क शुगर जिंजर ब्रूज इट एंड मेक दैट चाय यू डोंट नीड टू नो हिज एग्जैक्ट मैथड और हाउ लॉन्ग ही ब्रू द टी और मतलब थानू कोई फ़र्क नहीं पैंता चाहे की पा रहे कि नहीं पा रहा है आपको पता है कि यार ये जो मेन इन्ग्रीडियंट्स होते हैं चाहे कि वो आपके सामने लेके आ जाता है एंड अगर आप उसके प्रोसेस में इंटरेस्टेड हों तो इसका मतलब आप चाय पीने नहीं गए आप चाय सीखने गए हैं सो so आपका मकसद है चाय पीना तो चाय पीने का मतलब ये है कि आपने जो रिक्वेस्ट की है आप बैठे बातें कर रहे होते हैं वो पीछे जो भी प्रोसेस सिस्टम में चल रहा है वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट हमारे पास ए के थ्रू प्रॉपर एक ऑर्डर हम भेजते हैं ए रिक्वेस्ट और उससे क्या होता है सिस्टम के अंदर सिस्टम बिहाइंड द सीन ए के अंदर कुछ काम होता है काम होने के बाद आपकी चाय जब आपके पास आती है उसको बोलते हैं ए का रिस्पांस। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द चाय वाला हैंड्ड्स ओवर अ स्टीमिंग स्टीमिंग कप स्टीमिंग कप ऑफ अ जिंजर चाय टू यू दिस रिस्पांस, दिस इज द रिस्पांस टू योर ऑर्डर तो बेसिकली स्टार्ट में एक ए आपके पास है वो ए पे सारी चीज़ें लिस्ट की होती हैं कि ये 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 ये, ये, ये आप करवा सकते हैं हमसे आप वो रिक्वेस्ट करते हैं वो रेस्ट रिक्वेस्ट uh, इंटरनेट के थ्रू प्रोसीड की जाती है और वो इंटरनेट अगर आप ग्लोबली काम कर रहे हैं लोकली की बात नहीं कर रहा तो आप इंटरनेट के थ्रू वो रिक्वेस्ट प्रोसीड करते हैं और स्पेसिफिकली वही रिक्वेस्ट आपकी पूरी होती है एंड आफ्टर दैट रिक्वेस्ट आप दोबारा से कोई और भी भेज सकते हैं मिसाल इसकी मैं एक और देता हूँ आप चाय वाले से जितने किस्म की चाय हैं वो सारी की सारी परचेज नहीं करते यू गो एंड फाइंड वन स्पेसिफिक टी और टू स्पेसिफिक टी अगर दस लोग हैं तो दस बीस हैं तो बीस ठीक है आप दुकान खरीदने नहीं जा रहे आप चाय वाले को ही कह रहे हैं कि गिव अस दिस मच टीज ठीक है अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं जब आपको चाय मिल गई है आपका काम खत्म हो गया सो वाई डों डोंट यू मतलब तानू की लौड़ पै है यार दुकान खरीदने की यू डोंट नीड टू बाय दैट शॉप मतलब ये है कि चाय पीनी है चाय पिए काम ख़त्म आपको सारी दुकान खरीदने की जरूरत नहीं है इस कंसेप्ट में माइंड में रखिएगा ए क्या करती हैं आपकी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक आपका काम पूरा कर देती हैं विद वेरी फ्यू बक्स या छोटी सी अमाउंट के अगेंस्ट या टोटली totally फ्री भी होती हैं इट डिपेंड्स कि आप कितना यूज़ करने वाले हैं अब मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ आपने बनानी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ऐप फॉर एग्जाम्पल चैट बोट तो आपको सारे का सारा चैट जी या ओपन ए खरीदने की ज़रूरत तो नहीं ना पड़ी ना पूरे का पूरा मॉडल लेने की जरूरत पड़ी है आप उसकी ए को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं ठीक है एपीआई क्या है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपने जो काम खुद करना है नया मॉडल ट्रेन करना है इसकी बजाय आप उस उनकी ए पी आई परचेज कर लें विच इज़ वेरी चीप बाय द वे एक डेढ़ सेंट लगता है आपको एक आधे या दस हज़ार बीस हज़ार टोकन्स के लिए वो उसके बाद में बात करेंगे तो आप सारे का सारा काम उस ए के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं और बिलीव मी अगर आप अपना बिजनेस स्केलअप भी करना चाहें स्टिल ये सस्ता पड़ेगा आपका अपना मॉडल ट्रेन करने की बजाय इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको एक और आपको चाहिए वेदर का डेटा आप क्या करेंगे एक स्पेसिफिक सोर्स यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से ए उनकी परचेज करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर वेदर का डेटा वहाँ से फैच करके लगा सकते हैं अपडेटेड डेटा और आपको पूरे का पूरा वेदर स्टेशन खरीदने की जरूरत नहीं है पूरे की पूरी वेदर ऐप बनाने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी बनी है उनसे काम ले सकते हैं स्टॉक मार्केट का डेटा आप स्टॉक मार्केट की एपीआई खरीद कर सकते हैं फॉर एग्जांपल याहू फाइनेंस की लाइब्रेरी है उससे भी स्टॉक मार्केट का डेटा ले सकते हैं एंड देर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ ए पी आईज़ अवेलेबल जिनको यूटिलाइज करके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से अगर आपको डेटा चाहिए पॉपुलेशन का और आप उस पॉपुलेशन को मैप करना चाहते हैं दुनिया के डेटा के ऊपर सो यू कैन जनरेट द डेटा बाई योर सेल्फ लेकिन वो एक्ूरेट नहीं होगा तो क्यों ना हम किसी ऐसे बंदे किसी ऐसी वेबसाइट की ए पी आई ले लें कि वो हमें अपडेटेड रियल टाइम डेटा दे दें एंड देन वी कैन मैप तो ये काम जो है ये बेसिकली ए का होता है और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वेबसाइट्स हैं इंडस्ट्रीज हैं डेटा जनरेटर्स हैं कोई भी चीज़ है जहां जहाँ पर भी डेटा साइंटिस्ट अगर काम कर रहे हैं दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ ए इन ऑर्डर टू डिवेलप वन बिग ऐप मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी एप्लीकेशन बनानी है या वेब ऐप बनानी है जो हमारा काम है आने वाले दिनों के अंदर वेबसाइट बनानी है एंड यू डी यू नीड सम डेटा फ्रॉम द पर्सन जो आपकी वेबसाइट पे लॉग इन कर रहा है और वो डेटा है लोकेशन का तो आप क्या करेंगे एक ए ले लेंगे जो लोकेशन को ऑलरेडी फाइंड आउट करके गूगल मैप के ऊपर पिन कर रही है ठीक है एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसी से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं एक एप्लीकेशन बनाना जो इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करे तो भाई अपना ट्रांसलेटर बनाने के बजाय आप गूगल ट्रांसलेटर की ए पी आई परचेज कर लें एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ आपने ट्विटर सेंटिमेंट का एनालिसिस करना है तो आप पूरे का पूरा ट्विटर से खुद डेटा स्क्रैप करने के बजाय ट्विटर की एपीआई ले लें वो एपीआई आपको डेटा दे देगी जो आपको चाहिए होगा सो इसलिए एपीआईज का काम बहुत अला होता है और ये कम अज कम एथिकल वेब स्क्रैपिंग के जुमरे में आता है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेब स्क्रैपिंग कितनी किस्म की होती है क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ जब हमने वेब स्क्रैपिंग पढ़ी थी बट नाउ आई एम जस्ट गोना टेल यू कि ए पी आई का बहुत बड़ा रोल होता है अब हम देखते हैं कि ओपन ए की जो ए पी आई है वो हम कैसे यूज करने वाले हैं और क्यों हमें जरूरी है फॉर एग्जाम्पल वेन यू यूज ओपन एय ए पी आई लाइक द वन यू आर यूजिंग टू कम्युनिकेट विद मी यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर चाय र आस्किंग फॉर एन आंसर टू अ क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक जब आप ओपन ए आई की ए पी आई यूज करेंगे जिसकी मैंने आपकी आई डी बनवाई है ओपन ए आई चायट जी पी टी वालों की बात कर रहा हूँ तो आपका मकसद क्या होगा उससे चाय मंगवाना नहीं है ओपन ए आई चाय नहीं भेजती वो आपके सवालों के जवाब देंगे एल एल एम मॉडल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है आप उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज कर सकते हैं अब ए पी आई को थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं और मैं बताता हूँ आपको जो हमारे पास चाय वाली एग्जाम्पल थी उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो मेन्यू हमारे पास जो है ओपन ए का वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओपन ए ऑर्डर जो हम कर रहे हैं वो क्यूरी भेज रहे हैं कोई भी ओपन आई को फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान तो वो भी आंसर करेगी देन ओपी ओपन ए प्रोसेस करती है बिहाइंड द प्रोसेसर बिहाइंड द सीन जो भी उसका प्रोसेसिंग पावर है जैसे किचन था चाय वाले का एंड एट दी एंड यू गेट एन आंसर आंसर आपके पास एक रिस्पॉन्स की शक्ल में आता है सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज ओपन ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लेकिन उससे भी पहले वहां पे जाने से पहले हम ए के बारे में थोड़ा सा और जांच लेते हैं अब हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस क्या होते हैं ए क्या होती हैं इसको हमने पढ़ा अब हम थोड़ा सा इसको ब्लॉक की नज़र से पढ़ते हैं कि ओपन ए डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में कैसे कमालत कर रही हैं मैं इसको पढ़ूंगा और आपको मज़ा आएगा एंड देन आई एम गोना शो यू कि हमारे ऐसे ब्लॉग्स इनशाला आने वाले हैं अब मैं पढ़ूंगा एक स्टोरी की तरह और आपको ए की समझ आ जाएगी ठीक है जी आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर चीज इंट्रोकोनेक्टेड है और इस इंट्रोकोनेक्शन का एक बड़ा जरिया है एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिस अब एपीआई एक ऐसा ब्रिज है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आपस में बात करने में मदद करता है सोचो अगर आपको लाहौर से कराची तक की फ्लाइट बुक करनी हो और आप डायरेक्टली एयरलाइन के वेबसाइट पर जाएं बिना ही एक ऐप ओपन करो और उसी पर ओपन करके आप अपनी टिकट बुक कर लो तो जो भी वो ऐप आप आपको प्रोवाइड कर रही है वो ए की बदौलत ही मुमकिन है यानी कि फ्लाइट का डेटा उस ऐप में ए के थ्रू आ रहा है और जो आप बुकिंग कर रहे हैं पेमेंट गेटवे आपको टाइम बताना ये सब कुछ ए के थ्रू हो रहा है और वो ऐप एक सस्ता टिकट या कोई और ऐप भी हो सकती है ठीक है लेकिन जब बात आती है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की तो ए का रोल और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है कैसे दिलचस्प हो जाता है मिसाल के तौर पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में ए का बहुत अहम किरदार है डेटा साइंस के अंदर जब आपने कोई काम करना होता है आपने डेटा लेना होता है और हर जगह पे डेटा बहुत ज़रूरी होता है मशीन लर्निंग का काम का का करना है तब भी डेटा चाहिए डीप लर्निंग का काम का का करना है तब भी डेटा चाहिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि सोशल मीडिया से आपने डेटा लेना है यूनीट ए पी आइज़ वैदर वेबसाइट से डेटा लेना है यूनिड ए पी आइज़ फाइनेंशियल मार्केट का डेटा लेना है यूनिड ए पी आईज़ आपको कहीं से भी डेटा निकालने के लिए बेस्ट एथिकल वे है ए पी आइज़ का यूज़ क्यों क्योंकि वो जिसने बनाया होता है सॉफ्टवेयर जिसने बनाई होती है वेबसाइट जिसने बनाया होता है वो डेटा बेस जहाँ से आप ये सारा कुछ कलेक्ट करना चाहते हैं वो एक्चुअली आपको कुछ अमाउंट के इवज़ ये डेटा देता है ठीक है अब रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आप सपोज करें कि आप पाकिस्तान के किसी मेजर सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना चाहते हैं अब वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का डेटा चाहिए होगा ठीक है और अगर वो आप डेटा हाई क्वालिटी का चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स का भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जितने भी सिटीज हैं उनकी क्वालिटी क्या है और हमारे सिटी की फॉर एग्जांपल कराची का या लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है वो डेटा आप ए के थ्रू ले सकते हैं वो कहाँ से मिलेगा वो कोई भी इन्वायरमेंटल एजेंसी की वेबसाइट हो जहाँ पे जाके आप उसकी ए पी परचेज कर लें या उनसे फ्री में रिक्वेस्ट कर दें एंड दे विल सेंड यू द डेटा अब मशीन लर्निंग के अंदर जब भी आप कोई ऐप बनाते हैं ना तो आप ए से डेटा एक ही दफ़ा नहीं ले आते वो रियल टाइम में डेटा फैच करते रहते हैं और आपका मॉडल जो है अपडेट भी होता रहता है और ए पी रोल मशीन लर्निंग ऑपरेशन यानी कि एम एल ऑप्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है ठीक है यहाँ पर आप सिर्फ डेटा लेना नहीं डेटा को प्रोसेस करना प्लस डेटा को एनालाइज करके कोई मॉडल को आगे लेके आना या आप उस मॉडल को अपडेट करना ये सारा काम ए पी थ्रू कर सकते हैं आप इसके अलावा डैशबोर्ड बना सकते हैं एपीआई से रियल टाइम में डेटा आ रहा है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डैशबोर्ड लगा सकते हैं कि इस वक्त गोल्ड का रेट ये जा रहा है डॉलर का रेट ये जा रहा है वो जो डैशबोर्ड्स आ रहे होते हैं आपके पास वो सारे का सारा इंटरनेशनल जो मार्केट है उनकी ए के थ्रू डेटा आ रहा होता है ठीक है सो वह आप देखते हैं ना अक्सर का डिफरेंट बैंक्स की वेबसाइट के ऊपर या डिफरेंट स्टॉक मार्केट की वेबसाइट्स के ऊपर आपको डिफरेंट चीज़ों के रेट्स पता कर रहे हो लग रहे होते हैं तो वो सारे ए के थ्रू आते हैं अब मैं आपको कुछ पॉपुलर ए दिखाता हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं सबसे पॉपुलर ए है जनाब ट्विटर की या एक्स की ए जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स और पब्लिक ओपिनियन एनालाइज़ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्विटर की ए जब आपके पास आ जाएगी यू हैव टू मेक अ डिवेलपर अकाउंट फॉर दैट आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और वो आपको 200 या 300 तक की लिमिट में टोकन्स की परमिशन देते हैं वेन यू क्रिएट दैट ए पी आई अकाउंट आप जब भी कोई एनालिसिस करना चाहें उस ए को यूज करेंगे आप कैसे यूज करेंगे वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कर सकते हैं आपने की पुट करनी होती है देन आपने सिर्फ ट्विटर हैंडल देना होता है किसी भी बंदे का ट्विटर हैंडल दिया ट्विटर हैंडल देने के बाद आप पूछ सकते हैं कि पिछले तीस दिन में जितनी भी इस बंदे ने या बंदी ने पोस्ट किए हैं वो सारे की सारी लाए वो डेटा टोटली एज ए स्ट्रिंग या एज ए टेक्स्ट फाइल या आपके पास टेक्स्ट के तौर पे आ जाएगा एंड देन यू कैन रन द सेंटिमेंट एनालिसिस की ये बंदा पॉजिटिव पोस्ट कर रहा है नेगेटिव कर रहा है न्यूट्रल कर रहा है या ये बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड पोस्ट कर रहे हैं सो यू कैन एनालाइज दैट देन आपके पास है जनाब वेदर की एपीआई ठीक है ए पी आई वेदर रिलेटेड डेटा हासिल करने के लिए यूज़ होती है अल्फा वॉन्टेज जो है ए पी आई ये बेसिकली यूज़ होती है स्टॉक मार्केट के लिए गूगल क्लाउड विजन ए पी आई यूज़ होती है इमेज को एनालाइज़ करके ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए आप ए पी आई इसको डेटा के लिए ही नहीं आप मॉडल्स को भी लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं विच वी आर गोइंग टू डू टूडे यूजिंग लैंग चेन सो हमारे पास ए पी आई को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है आपके पास डिफरेंट किस्म के मेथड हैं एक नज़र डालते हैं ये एक छोटे से कोड पे आप रिक्वेस्ट की एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे सॉरी रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ए पी ए की के अंदर यहाँ पे आप अपनी ए पी ए की डाल देते हैं जो आपको ऑनलाइन वेब से मिलती है देन आप सिटी का नाम लिखते हैं देन यू आर एल देते हैं लाइक like दिस और आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा द टम्परेचर इन लाहौर ठीक है सो कुछ इस तरीके से आप कोड लिखते हैं ए की आपकी यूनिक आई होती है जो हर अकाउंट की होती है ठीक है यू नीड टू पे एंड समाइम्स इज फ्री ओपन ए आई पांच डॉलर तक आपको फ्री में ए पी आई यूज करने की परमिशन देती है बट समाइम्स नीड टू पे फॉर दैट ठीक है अब ये तो होगी जनाब ए पी आई ए पी आई क्या होती है क्यों होती है किस वजह से होती है यहां तक आपको समझ आ गई लेकिन अभी रुकें जरा सब्र करें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर going to look into two different kinds of APIs here जो हम पिछले दिनों से करते आ रहे हैं वही काम हम यहां पर करेंगे just a minute मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं यहां पर ये यह जनाब आपके सामने स्क्रीन है अब यहां पे हम जाते हैं जनाब हगिंग फेस के ऊपर हगिंग Face के ऊपर आ गया हूँ मैं आपके पास ये आई पहले ही बनी होगी हगिंग Face की सो आई एम हेयर ऑन हगिंग फेस और ये मेरी आई है जनाब इस आई के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपने एक्सेस टोकन्स में जाना है तो एक्सेस टोकन्स में जाने के बाद आप यहाँ पे न्यू टोकन जनरेट करेंगे और यहां पे इसका नाम देंगे मैं यहां पे लिखता हूं टेस्ट एपीआई टोकन और इसको मैं रीड एंड राइट दोनों के लिए बना रहा हूं तो मैं यहां पे जनरेट कर लेता हूं इसे मैंने जनरेट जब किया तो ये मेरे पास अपनी एपीआई जनरेट हो गई यहां पे क्लिक करके आप इसको इनवैलिडेट एंड रिफ्रेश भी कर सकते हैं ठीक है और डिलीट भी कर सकते हैं सो मेरे पास ये आ गई है मैं इसको शो करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये एपीआई बन गई है और ये इतनी यूनिक करेक्टर आईडी है कि सिर्फ मेरे पास ये होगी आई नो कि आप में से कुछ जरा डूड श्यार बनेंगे पंजाबी जो डूढ़ चार गेंदे क्लेवर बनेंगे और इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे भाई कर भी लोगे कोई फ़ायदा नहीं है मैंने इसे डिलीट कर दिया है so, सो इसका मतलब ये है यू ऑलवेज कीप योर ए पी आईज़ सेव ओनली फॉर यू सेव्ड ओनली फॉर यू तो मैं यहाँ पे न्यू टोकन जनरेट करूंगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल टोकन्स मैं यहाँ पे टेस्ट ए पी आई लिखूँगा एंड देन आई कैन क्रिएट रीड और राइट मैं राइट इस वजह से लिख रहा हूँ बिकॉज ड्यूरिंग दैट ए पी आई यू कैन ऑल्सो अपडेट द मॉडल अगर आपने कोई अपलोड किया हगिंग फेज पे तो ये तो हो गया जनाब हगिंग फेज का मामला अब सिर्फ हगिंग फेस ही नहीं आपके पास मल्टीपल और किस्म की भी जो आई डीज़ हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक मशहूर ज़माना है चैट जी पी टी मैं इसमें सिर्फ अपना लॉग इन जो है वो एड कर लूँ एक दफ़ा एंड देन आई एम गो यू कि आप किस तरीके से ए पी एच को जनरेट कर सकते हैं जस्ट अ मिनट ये जनाब आपके सामने मैं स्क्रीन लाता हूं यहां पे लिखता हूं ओपन ए आई ए पी आई यहां पर ओपन ए आई ए पी आई आप लिखेंगे यहां पे जनाब मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास ओपन ए आई की ए पी आई जो है इसको मैं फिर चेक कर सकता हूँ आई हैव टू लॉग इन मैं इसमें लॉग इन करता हूं और लॉग इन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आएगी वेयर यू कैन एक्चुअली डाउनलोड योर ओन ए पी आई और उस ए के थ्रू यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग जैसे ये मेरे पास स्क्रीन आई है ए की तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ठीक है यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास स्क्रीन आ जाएगी एंड आई एम गोना शो यू दैट स्क्रीन एज वेल जस्ट अ मिनट उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पूरे का पूरा डेवलपर प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यू नीड टू क्लिक हीयर ऑन द लेफ्ट कॉर्नर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ए पी आई इस पर क्लिक करेंगे ए पी आई पर क्लिक करने के बाद देयर आर मैनी ए पी आज देयर तो आप यहाँ से न्यू ए पी आई जनरेट करेंगे ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट अंडर स्कोर ए पी आई और मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड भी बना सकता हूँ रीड ऑलनी भी बना सकता हूँ रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि आप अपने मॉडल्स बता सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हमने लेने हैं इसमें ठीक है फाइन ट्यूनिंग का फाइल्स का इन आर मैनी अदर थिंग्स रीड ऑलनी का मतलब है सिर्फ रीड करना है तो मैं ऑल पे क्लिक करके क्रिएट सीक्रेट ए पी आई यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ ये टेस्ट ए पी आई है मेरी ओपन ए आई की सो so, जैसे मेरे पास ये ए पी आई क्रिएट हो जाएगी देन आई कैन कॉपी दिस वन एज वेल एंड देन आई कैन यूटिलाइज दिस पावर ऑफ द ए पी आई इन ओपन ए आई ये मैंने दो वेबसाइट के आपको ए पी आईज दिखाई हैं आप किसी भी वेबसाइट की ए पी आई ले लें किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ए पी आई ले लें यू कैन यूज़ दैट ए पी आई इन साइड पाइथन और पाइथन के अंदर जब आप उन ए पी आई को यूज़ करते हैं देन इट यू यू कैन इंक्रीज़ द पावर ऑफ कंप्यूटेशन पावर ऑफ यूजिंग योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल लोकली एंड देन यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ अदर एप्प्लीकेशन जो हम इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड्स क्रिएट करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन और ए के यूज के थ्रू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम यूज करने वाले हैं यही नहीं अभी और सुनिए ए के साथ आप डेटा वहाँ से लें मॉडल वहाँ से लें यू कैन क्रिएट योर ऑन ऑगमेंटेड सिस्टम्स यानी कि मॉडल वहाँ से लिया यहाँ से आपने वेरीफाइड डेटा दिया कुछ पी का एंड देन यू कैन क्रिएट अ वेरीफाइड सिस्टम ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्योंकि ओरिजिनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बिकॉज वो किसी और डेटा पे ट्रेंड होते हैं बट अंटिल नाउ ए पी आई की आपको समझ आ गई होगी हमने ए पी आई इसको डाउनलोड भी कर लिया नाउ वी आर गोइंग टू जम्प इन टू आर नेक्स्ट लेक्चर और जिसमें हम लैंग चेन सीखेंगे यहां तक क्लियर हो गया जी आपको कि किस तरीके से ए पी आई काम करती है अगर क्लियर है तो लाइक कर दें कर दिया लाइक तो शेयर भी कर दें नहीं किया चलें आपकी मर्जी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर